अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो जैसे कि स्टूडेंट, आप सभी के जो एग्ज़ाम जो स्टार्ट हैं वो आप सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न जो रहता है वो क्या रहता है, और मैं यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल पेपर्स के थ्रू मैं समझाऊँगी कि आपको एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं, जो जिससे आपका जो समय जो है वो मेनटेन, जो आप अपना समय क्या है हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको मेनटेन करके चलें, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक चीज़, मैंने एक PDF शेयर किया है, लिंक जो PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाला हुआ है, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड दो सैम्पल पेपर डाले हैं डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री के। उसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को रेडी करिएगा, उन क्वेश्चन को अपना जो भी आपने प्रिपरेशन किया है उसको भी, और जो उसमें क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसमें से उस दोनों जो सैम्पल पेपर हैं वो लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर के हैं, आई होप उसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो उस जो भी जो PDF मैंने शेयर की है सैम्पल पेपर की, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके सारे जो क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करके जाइएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जैसा कि तो आपको मैं बता देती हूँ, और मैं आपको बताऊँगी कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग कैसे अपने सारे क्वेश्चन मेंटेन करके चलने हैं, दूसरा कैसे आपको लिखना है एग्ज़ाम में, और मैं आपको बताऊँगी जो आपका क्वेश्चन जो पेपर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड में क्या इंपॉर्टेंट है। और पिछला जैसे कि मैं आपको एक सिलेबस की वीडियो में बता चुकी हूँ कि फर्स्ट पेपर में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सेकंड पेपर में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्या है, मैंने यहाँ पे जो सैम्पल पेपर्स था जो वो मैंने पूरा यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। बाकी जो मेन सैम्पल पेपर हैं उनका मैंने PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। जैसे कि आपका सैम्पल पेपर कुछ इस तरह से होगा, सबसे पहले आपका जो ऊपर कॉलेज का नाम लिखा होगा, साइड में कोर्स डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा हो डीओप्टम या फिर बीओप्टम लिखा होगा, सब्जेक्ट तो यहाँ जो कर रहे हैं वो सेकंड पेपर की कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड पेपर ऑप्टोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेपर में तो आपका जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी और भी सारे माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इंक्लूड रहते हैं। यहाँ पे क्या है, आपका टाइमिंग होगा, मे बी कोविड की वजह से टाइम जो है वो चेंज हो गया हो, कितने आवर्स का आपका पेपर रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरियल वाइज देखेंगे, जो आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे, जो मेन क्वेश्चन होंगे वो 5 होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद आपको राइट और रॉन्ग सेलेक्ट करने के लिए होंगे सेकंड क्वेश्चन में, और थर्ड क्वेश्चन में आपका फिलअप आएंगी, फोर्थ क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट्स आएंगे लिखने के लिए, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ फोर्थ में शॉर्ट क्वेश्चन और फिफ्थ में लॉन्ग क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पैटर्न जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, आपको जो है ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपके ऑप्शन में आपका जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो 5 ऑब्जेक्टिव होंगे, एक ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो आपका करेक्ट होगा वो आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको अपना टाइम कैसे जो टाइम है वो कैसे टाइम के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो यहाँ पे जो इस तरह से आपका पैटर्न कुछ होगा, तो पहला क्वेश्चन जो होगा आपका होगा रेटिनोस्कोप यूज्ड फॉर रिफ्रैक्शन, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, बोथ या नन। तो आपको ये सब नहीं उतार के आप सिर्फ पहले क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, ये सारा अपना ऑप्शन उतार ऑप्शन राइट डाउन कर करने के बाद आपको क्या है ए में क्या है ए लिखकर, जब आपका पहला क्वेश्चन ए होगा ये आप आंसर शीट में इतना उतार कर अपना टाइम वेस्ट ना करें स्टूडेंट, आपको डायरेक्ट जो है वो आंसर लिखना है ए लिखकर, और आपको डायरेक्ट इस तरह से सपोज़ दैट जो मैंने जो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है बोथ, क्योंकि रेटिनोस्कोप सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन दोनों में यूज़ होती है। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिख देंगे बोथ, ठीक है, क्या लिखेंगे बोथ, और इसमें आंसर में ए का बोथ, मतलब इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि
क्वेश्चन नंबर ए का जो इन्होंने आंसर दिया है वो दिया है बोथ। ठीक, तो इस तरह से आप हर सारे ऑब्जेक्टिव में आप सिर्फ आंसर लिखेंगे, उसका नंबर नंबरिंग जरूर डालेंगे, जैसे बी का आंसर ये है या सी का आंसर ये है, तो इस तरह से अपना टाइम जो है वो काफ़ी टाइम आपका बच सकता है। दूसरा आपको बताएं क्वेश्चन, इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया इन द ह्यूमन आई द फोटो सेंसिटिव कंपाउंड और कंपोज्ड ऑफ, जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको आंसर नंबर बी में डालकर लिखना है। ब्लैक कलर ऑफ आई इज़ ड्यू टू, ब्लैक कलर जो होता है आँखों का वो किसकी वजह से होता है, कंजक्टाइवा, स्क्लेरा, कॉर्निया या आइरिस। तो ये जो कलर चेंजिंग जो होते हैं हमारी वो आइरिस की एपिथीलियम पिगमेंट की वजह से होते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका आइरिस। तो सिर्फ आपको सी का आइरिस लिखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद डी में देखें नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आपका डी आंसर डी का 1.37 लिख देना है। उसके बाद आता है हमारा ई का पारस प्लेना इज़ अ पार्ट ऑफ, पारस प्लेना क्या है, पार्ट किसका पार्ट है हमारा सिलरी बॉडी का, तो इसका आंसर भी आपको ई का आंसर ई लिखकर और ये लिख देना है डायरेक्ट। कोई भी क्वेश्चन उतार के अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आपको आगे बहुत सारे टाइम की नीड होने वाली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में आएँ, चूज़ राइट और रॉन्ग, इसमें आपको राइट और रॉन्ग चूज़ करना है, मतलब लगाना है। यहाँ पे पंक्टम प्रॉक्सिमम इज़ रिलेटेड टू लक्राइमल ग्लैंड, राइट या रॉन्ग, तो वो आपको डायरेक्ट ही लिखना है। जैसे सपोज दैट आपने वन डाला, वन के सामने राइट या रॉन्ग लिखना है, ना कि पूरा उतार कर टाइम वेस्ट करना है। दूसरा म्यूकस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ टीयर फिल्म, राइट या रॉन्ग, तो आपको नंबर टू डालकर और उसमें राइट या रॉन्ग लिख देना है। ऐसे ही आपको इसमें सारे ऑब्जेक्टिव में करना है। पोस्टीरियर चैम्बर इज कंटेनिंग अबाउट 0.06 ml एक्वस ह्यूमन, राइट या रॉन्ग डायरेक्ट लिख देना है। अफेकिया इज ट्रीटेड ओनली बाय सर्जरी, राइट या रॉन्ग डायरेक्ट लिखना है। मोस्ट ऑफ द थिकनेस ऑफ कॉर्निया इज फॉर्म बाय सबटेंटिया प्रोपिया, राइट या रॉन्ग डायरेक्ट ही लिखना है। ये आपको आंसर शीट में कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद आपकी फ्लिप आती हैं, फ्लिप में आपको क्या करना है, फ्लिप में भी आपको क्या करना है, जैसे ये आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा जंक्शन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज कॉल्ड, तो आपको डायरेक्ट ही जो फ्लिप में आ रहा है वो आपको आंसर में लिख देना है, पूरा ये सारा सब कुछ उतारना नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ LPS इज, उसकी जो फुल फॉर्म होगी वो भी आपको डायरेक्ट आंसर में लिख देनी है, लेकिन ये नंबर जरूर डालने हैं आपको, जिससे एग्जामिनर को पता हो, जिससे एग्जामिनर अच्छे से आपकी कॉपी चेक करे, उसको पता हो ये जो आंसर दिया आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। उसके बाद दिया है नर्व सप्लाई ऑफ लेटरल रेक्टस बाई, उसमें भी आपको आंसर लिख देना है। द स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम इज, ये भी आपको आंसर में लिख देना है डायरेक्ट। द एंटीरियर फोकल लेंथ इन रिड्यूस आई, ये भी आपको डायरेक्ट आंसर में लिख देना है। तो यहाँ तक आपको सबका आंसर जो देना है वो डायरेक्ट देना है, क्वेश्चन उतार का टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर पर, राइट शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स कैसे लिखने हैं। टर्म्स कोनोइड, ये आपको शॉर्ट नोट जो लिखने हैं, ये आपके शॉर्ट नोट्स आई थिंक 5 marks का होता है एक, तो आपको टर्म्स कोइंट का जो है डायग्राम बनाना है पहले, उसके बाद उसमें अच्छे से नीट एंड क्लीन करके आपको क्या करना है, आंसर नंबर वन लिखकर और एक हेडिंग डालकर टर्म्स कोनोइड, और उसके बाद उसका आंसर लिख देना है सारे क्वेश्चन में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स ऑन विजुअल पाथवे, थर्ड है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल एंड देयर रिएक्शन, फोर्थ है लेयर ऑफ टीयर फिल्म एंड इट्स देयर एक्शन, उसके बाद फाइव है आपका मैडॉक्स रॉड। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से करने हैं। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइव पर, आंसर इन डिटेल ऑफ एनी फोर फॉलोइंग, इसमें आपको 4 questions दिए होंगे, एक क्वेश्चन आपका 10 marks का होगा, आपको जो करने हैं वो 2 questions आपको कंप्लीट करने हैं, इसमें आपके 10 marks के होंगे 2 questions है। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड नर्व ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ सिलरी बॉडी, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको अटैम्प्ट कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन रेटिनोस्कोपी इट्स टाइप मेथड ऑब्जर्वेशन एंड इन्फेरेंसेस, रेटिनोस्कोप
रेटिनोस्कोप, अगर इसमें भी आपको उसके टाइप्स लिखने हैं, उसका ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंसेस वगैरह सब कुछ लिखना है. व्हाट इज़ विजुअल एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी क्या होती है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट वेरियस मेथड रिड्यूस विजुअल एक्यूटी एंड अडल्ट. इसमें आपको विजुअल एक्यूटी कितनी टाइप्स की होती है, अडल्ट में विजुअल एक्यूटी किससे हम लेते हैं, और छोटे बच्चे में बिलो वन ईयर या फिर टू ईयर के बच्चों में हम कैसे लेते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा लिखना है. व्हाट इज सिंपल एंड टोरिक ट्रांसपोजिशन, एक्सप्लेन विद देयर एग्जांपल. ट्रांसपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, या ये क्वेश्चन आपको हर कहीं मिलने वाला है, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाइएगा. ट्रांसपोजिशन जो है इसमें सिर्फ आपको सिंपल और टोरिक ट्रांसपोजिशन बतानी है, उसके बाद उसको तीन तीन एग्जांपल दे देने हैं. अगर आपकी ट्रांसपोजिशन करेक्ट होगी और आपने तीन एग्जांपल के साथ उसको किया है कंप्लीट क्वेश्चन को, तो इसमें आपका मार्क्स नहीं कटेंगे, आप ये भी एक दो मार्क्स कट हो जाए. लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप और क्वेश्चन के कंपेरिजन में इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे अगर आपको ट्रांसपोजिशन आती हो. सो स्टूडेंट, मैंने आपको जो हमारा सेकंड पेपर था जिसमें हमारी ऑप्टिक्स और सारे जो दो तीन सब्जेक्ट हमारे इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वो उसके बारे में आपको सैम्पल पेपर के थ्रू सेकंड पेपर मैंने यहाँ पे बताया था आपको कैसे करना है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको अपना टाइम कैसे मेंटेन करके चलना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमको बहुत सारा समय चाहिएगा उनको कंप्लीट करने के लिए. तो सेकंड जो हमारा फर्स्ट पेपर है, जिसमें हमारा जर्नल एनाटॉमी इंपॉर्टेंट, जर्नल एनाटॉमी है, और हमारा फार्माकोलॉजी और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, तो उसका जो है मैं पीडीएफ, उसका सैम्पल पेपर का पीडीएफ और इसका दोनों का मेन जो क्वेश्चन पेपर जो आते हैं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, उसकी पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर कर रही हूँ, तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा. और ऑल द बेस्ट. और स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो.